और इस वक्त की बड़ी खबर, वाराणसी से सीएम योगी के हेलीकॉप्टर में खराबी आने से मचा हड़कंप। वाराणसी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई है। बड़ी खबर वाराणसी है, खराबी के चलते उड़ान के बाद वापस लैंड हुआ है हेलीकॉप्टर। क्या कुछ अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर ने पुलिस लाइन से भरी थी उड़ान और उसमें तकनीकी खराबी की खबर है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर है, उड़ान भरने के बाद तकनीकी खराबी आई और वापस लैंड कराना पड़ा है। वाराणसी से ये बड़ी खबर अपडेट हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हड़कंप जरूर मच गया, सीएम योगी के हेलीकॉप्टर ने पुलिस लाइन से उड़ान भरी थी। एक बार फिर से ये इस वक्त अपडेट हम आपको दे दें, उड़ान भरने के बाद पुलिस लाइन में लैंड किया। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप वाराणसी से इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खराबी आ गई हेलीकॉप्टर में जिसकी वजह से लैंड कराना पड़ा। जयपाल इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से। जयपाल अपडेट क्या है जरा बताइए। खबर है कि सीएम योगी का जो हेलीकॉप्टर था वापस से लैंड कराना पड़ा है, उसको खराबी आ गई थी कुछ? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुबह 9 बजे वाराणसी के पुलिस लाइन हेलीपैड से लखनऊ के लिए रवाना होना था, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर उठा और उसके बाद से ये पता चला कि कुछ तकनीकी खराबी है और आनंद फानंद में फिर से हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। और ये बताया जा रहा है कि इसमें कुछ तकनीकी फॉल्ट है जो अभी तक ठीक किया जा रहा है। जो पूरी एक्सपर्ट की टीम है वो लगी हुई है हेलीकॉप्टर में कि किसी तरह से उस तकनीकी फॉल्ट को दूर किया जाए। अभी तुरंत जो है मुख्यमंत्री को फिर से सर्किट हाउस लाया गया और यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों की एक टीम है वो मंथन इस बात पर भी कर रही है कि मुख्यमंत्री को सीधे एयरपोर्ट से बाय रोड लेकर जाया जाए और एयरपोर्ट के पास भी चौकसी बढ़ा दी गई है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे कार द्वारा एयरपोर्ट ले जाया जाए जहां से वो सीधे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। हालांकि एक टीम ये भी कोशिश कर रही है कि मुख्यमंत्री को सीधे यहां से हेलीकॉप्टर से ही ले जाया जाए ताकि समय की जो है वो बचत हो और बाय रोड जाने में सुरक्षा को लेकर इंतजाम करने पड़ेंगे। इससे बचने के लिए मुख्यमंत्री अभी फिलहाल सर्किट हाउस में ही मौजूद है। देखना होगा कि ये फॉल्ट कब तक ठीक होता है या ठीक नहीं भी हो पाता है तो क्या मुख्यमंत्री बाय रोड एयरपोर्ट तक जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जयपाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर जो है उसमें तकनीकी खराबी आई है और उसको वापस लैंड कराना पड़ा है उस हेलीकॉप्टर को। जैसा कि जयपाल हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अब देखना यह होगा कि क्या बाय रोड जाएंगे अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो देखिए लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं वाराणसी से, बड़ी खबर इस वक्त आपने देखी है। और इससे बीच यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का।